कौन है? कौन है? हे भगवान बलि, हे भगवान, हे बजरंग बलि। दोस्तों मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये आवाज कैसे आ रही दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो जानता हूँ नाराज हो, बहुत दिनों बाद आया हूँ वीडियो बनाने, तो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी साथ में यार, क्योंकि टीम नहीं है, कैमरा वाला भी नहीं है और अकेला लोकेशन पर आ नहीं सकता, डर लगता है और समझते हो यार। अभी फिलहाल स्टैंड पे मोबाइल लगा है, माइक ये लगा है, अकेला आया हूँ और ऐसी लोकेशन पर आया हूँ कि रियल में मतलब मजा जाएंगे आपको। पूरे वीडियो देखना, स्किप मत करना, और कोई चैनल पर नए हुए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना यार, सब्सक्राइब ना बहुत कम करते हैं लोगों ने यार, तो सपोर्ट जो अभी तक करता है उनका शुक्रिया करना चाहूँगा यार। और ये जो लोकेशन है इसकी कहानी ये बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे एक रूम है, एक बार और आ चुका हूँ यहाँ पे, पार्ट टू लेके आया हूँ क्योंकि लोकेशन अकेले और कहीं जाने के लिए रेडी नहीं हूँ, टीम चाहिए यार बैकअप के लिए, कुछ हो जाए मुझे तो और प्रॉब्लम आ जाएगी वीडियो बनाने के चक्कर में। तो इसमें जो ट्रेंड चल रहा है लैंग्वेज में, बहुत सारे वीडियो यूट्यूबर्स ने बनाया कालू चुड़ैल, है ना, तो रियल में कालू चुड़ैल है या नहीं है ये मैं अगर मेरे एरिया में बात करूं तो उस चुड़ैल को मेरे एरिया में दूसरे नाम से बोलते हैं, लेकिन वही बात है कालू चुड़ैल। कालू चुड़ैल मतलब कि ये ऐसी जगह पे रहती है दोस्तों, सोने मकान में, खंडरों में, पेड़ों के ऊपर। तो अब मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा, जाऊँगा, देखूँगा और आप हो साथ में यार मेरे, मुझे नहीं पता क्या होगा लेकिन पूरी हद तक कोशिश करूँगा सब कुछ दिखाने की। तो मैं आपको स्टैंड पे से निकाल के आपको सब कुछ दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड, एक सेकेंड यार, टॉर्च की बड़ी नाटक है। तो दोस्तों ये है मेरी बाइक और ये है मेरी बाइक, देखो आप, थोड़ा सा बैग है मेरे पास तो हिल रहा है तो बुरा मत मानना आप। ये बाइक है, काफ़ी दूर तक पैदल जाना पड़ेगा मुझे, तो चलो आप लोगों से बात करूंगा, आप लोग हो तो। यहाँ पे कुछ मेंढकों की आवाज़ आ रही है और ये गोबर वगैरह ऐसा बोलते हैं दोस्तों कि जहाँ गोबर रहता है वहाँ पे घोस्ट और जिन रहते हैं, तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है इसलिए मैं दोस्तों इस रास्ते से जाऊँगा। काफ़ी कीचड़ है यहाँ पर, समझ सकते हो आप, समझ सकते हो, और मुझे नहीं पता यार उस लोकेशन पे क्या है क्या नहीं है, लेकिन जाके देखते हैं अपन। काफ़ी दरार हैं इस जगह पे, ये देखो टॉर्च की बड़ी नाटक है दोस्तों, टॉर्च क्या, अबे ये तो रास्ता बने यार दोस्तों, इधर से जाता हूँ मैं, ये कुछ शायद पानी वानी का है, कुछ लाइटिंग ज़्यादा आ रही है शायद, लाइट ज़्यादा है मेरे पास फोकस वाली इसलिए ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। मैं आपको एक बार दिखा दूं पीछे, ये देखो अकेला हूँ दोस्तों, ऐसी मत सोचना कि मैं मतलब आपका भाई रियल दिखाता, आपको पता है यार ये बंगल के पेड़ है, गाँव में अक्सर रहते हैं। तो कुछ अपनी बातें करते हैं कि एक सेकेंड यार, कुछ लगा मुझे दोस्तों यहाँ पे, बाइक नहीं आ सकती इस रास्ते पे दोस्तों, इसलिए मेरे को यहाँ से जाना पड़ रहा है। अपनी बात ये कर रहे हैं कि यार पता है तुम लोगों को मेरे पास टीम नहीं है और आपको पता है कि टीम नहीं, और ये देखो क्या है, ये मेंढक है, कितना बड़ा मेंढक है भाइयों, देखो अब गया, वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ यार, प्रॉब्लम क्या है, टीम नहीं है। आपको पता है मैं इतनी मेहनत करी, इतना मेहनत करने के बाद इतनी दूर आए हैं आपके प्यार से और आप आखिरी में पिटा रहे हैं, बिल्कुल मन तो होता है यार अच्छे अच्छे किले पे जाने का, लेकिन आपको प्रॉब्लम बताऊं तो पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार सच में, मतलब पैसे नहीं है जाने के लिए, इच्छा है कि भानगढ़ किले पे जाऊं एक दिन, पर जब पैसे आएंगे दोस्तों तब हम ज़रूर जाएंगे भानगढ़ किले पे और
मेरा शौक है यार वहाँ पे जाने का, बिल्कुल मतलब मन करता है, पर पैसे नहीं है तुम्हारे भाई के पास और टीम भी नहीं है। उज्जवल भी बाहर गया हुआ है, पंकज भी बाहर गया हुआ है, अकेले ने हिम्मत करी है क्योंकि गैप हो गई थी वीडियो में ज़्यादा। कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल क्योंकि लोकेशन दूर है थोड़ी सी। फर्स्ट टाइम मैं आपको मानो कि वो कर रहा हूँ, बोर करूँगा शायद। जब तक ये रास्ता है तब तक तो बोर होना पड़ेगा बाबा, मेरे लिए तो होना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों बात है लोकेशंस की, लोकेशन में ऐसा नहीं है यार कि हर जगह पे हंटेड मिल जाए, हर जगह आपको कुछ दिख जाए, और जहाँ पे हुआ है वहाँ पे आपने शो किया है, बिल्कुल मैंने कैप्चर किया है। और उम्मीद है कि ये जगह जो जा रहा हूँ यहाँ पे चुड़ैल रहती है, पास में मेरे राई और नमक भी है, चाकू भी है, तो कुछ दिक्कत नहीं आई। अरे कुछ समझ सकते हो यार फीलिंग्स, मतलब कि रात का अंधेरा है और अकेला हूँ, और शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे तो डर लग रहा है यार, नहीं बोलूँगा तो और ज़्यादा डर लगेगा, इसलिए ना ऐसा लग रहा है कि हाँ आप लोगों से बात हो रही है लाइव पे। तो ठीक है चलते हैं आसपास, घर उधर बहुत दूर एक घर दिख रहा है, अब एक गिरा था पत्थर है इधर यहाँ पे, तो कोशिश करूँगा गेट खोलने की दोस्तों, और जल्दी से जाना है बस वहाँ पे। ये टिटहरी है, ये रात के टाइम मतलब खेतों में रहती है, देख रहे हो आप, शायद ये कुछ खा रही है। तो दोस्तों और सुनाओ कैसे भाई लोग, गड्ढे हो रहे हैं रास्ते में यहाँ पे, मतलब समझ रहे हो आप कितना डेंजरस लोकेशन है भाई। हाथ दर्द हो रहा है यार, स्टैंड भी नहीं है ना यार, एक स्टैंड चाहिए मुझे दोस्तों जिसमें मोबाइल और टॉर्च लगा लो। अब मैं तो देख नहीं रहा हूँ खैर आपको, पर आपको मेरे को दिखने से कोई मतलब नहीं है, हमारा काम है घोस्ट को कैप्चर करना कि रियल में घोस्ट रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9:30 बजे का टाइम हुआ है आसपास, और 9:30 बजे के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आसपास घर है ना यार, आसपास घर है तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई है वहाँ पे, मतलब वो टॉर्च जला रहे हैं, उनको शंका सही है कि यार ये रात के टाइम जंगल में टॉर्च क्यों चल रही है। तो हम उनको बोलेंगे कि भैया हम आए हैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ मैं भाई, कोई चोर और मत समझो। ये गाँव में प्रॉब्लम्स रहती दोस्तों, पता आपको अगर आप रात के अंधेरे में कहीं पे जा रहे हो तो पब्लिक को क्या लगेगा पता है, पब्लिक को ये लगेगा कि यार भाई रात के इसमें टॉर्च क्यों जल रही है। तो बड़े मुसीबतों का सामना करने के बाद वीडियो बनता भाई लोग, ऐसे नहीं है कि नॉर्मल आप गए उठाया कैमरा और बता दिया, कुछ भी नहीं है। जब प्रॉब्लम्स आप समझोगे ना एक यूट्यूबर की कि यार क्या क्या रहती है, घर वाले नहीं जाने देते भाई लोग, ऐसा नहीं घर वाले बोलते हैं कि जा बेटा, क्योंकि यार रात के टाइम में देखो रात के टाइम कुछ भी हो सकता है, और बिना टीम के तो बिल्कुल भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम्स है, पर ठीक है जो प्रॉब्लम है उनके मज़े लेंगे, और कोई हो सकता है डिस्टर्ब भी कर सकता है अपने को, तो कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे बात कि भाई हम यहाँ पे शूट करना है वीडियो हंटेड लोकेशन पे, तो समझ रहे हो आप। तो हम जा रहे हैं जंगल में, और आसपास ये फसल है, और सोयाबीन की फसल बोलते हैं दोस्तों इनको, है ना, खेत है आसपास। और हम लगभग पहुंच गए हैं यार, मैं जानता हूँ इतना लंबा वीडियो हो रहा है ज़्यादा, पर सुन लो यार, यारो तुम्हारा भाई की प्रॉब्लम है वरना इतनी दूर में फालतू चलता नहीं, लेकिन देखा ना आपने यार बाइक नहीं जाती, गड्ढे पानी भरा हुआ था। तो पर पूरी कोशिश है अब कि यहाँ पे एक वीडियो शूट हो जाएगा अच्छा सा। हो कुछ उड़ थक गया हूँ भाइयों, ये घर है ना सामने, यहाँ पे टॉर्च चल रही थी भाई, इसलिए चल रही थी कि उनको लगा कि भाई ये कौन आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर वो आवाज़ देंगे तो मैं बता दूंगा कि मैं हूँ यहाँ पे शूट करना आया हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा ना पढ़े लिखे नहीं भाइयों, उनको नहीं पता कि यूट्यूब क्या होता है और ये व्लॉग क्या होता है,
उनको तो यही लगता है कि साला पता नहीं कौन है, कंजर वंजर है। तो ये है वो पेड़, और इस पेड़ के ये है वो रास्ता। तो हम उस भूतिया रास्ते पे आ चुके हैं, और ये भूतिया रास्ता इतना डेंजरस है। घास देखो दोस्तों, इस घास में सांपों का भी डर रहता है। तो मैं बिल्कुल नीचे कैमरा देख के चलूँगा, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो। और ये भी उम्मीद है कि पब्लिक परेशान ना करे, और जल्दी ही कोशिश कर रहा हूँ। बहुत तेज़ चल रहा हूँ यार, पर भाई आपको पता है यार कि तेज़ चलना अलग बात है, और रात के टाइम से गंदी जगह है, मतलब बहुत घास फूस है। आप तो घर में देख रहे होंगे वीडियो, तो थोड़ा सा कुछ भाई आवाज़ अजीब से आ रही है यहाँ पे। अच्छी वो है सामने घर, थोड़ा डर लग रहा है। जय भजन बली, रक्षा करना मालिक। थोड़ा सा बस मेरे मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा मैं इतने दिनों से, इसलिए मैं अकेला चल पड़ा हूँ दोस्तों वापस। आपने मना किया था अकेले जाने के लिए, लेकिन यार मुझे कुछ करना लाइफ में, और अगर इस चीज़ से अगर मुझे रिस्क लेना पड़े तो मैं बिल्कुल बराबर लूँगा यार दोस्तों रिस्क। और थोड़ा सा आप ना ऐसे एडजस्ट करना, क्योंकि जब तक मेरा कैमरा मैन नहीं आ जाता जब तक मैं अकेला ही जाऊँगा लोकेशंस पर। ऐसा नहीं है कि मैं डरता नहीं हूँ यार, डर बहुत लगता है, सबको लगता है डर भाई, पर क्या करें, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। हिम्मत नहीं करूँगा तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, हम आ गए दोस्तों। यह है वो जो YouTube पे चल रहा है कालू चुड़ैल, है ना, कालू चुड़ैल का नाम कालू रख दिया उसका, वरना चुड़ैल ही नॉर्मल रहता है, चुड़ैलें रहती है, बहुत सारी चुड़ैलों के नाम रहते हैं। चुड़ैलों को यक्षिणी भी बोलते हैं एक लैंग्वेज में। तो यह है घर, ये टॉर्च, और इस घर की कहानी दोस्तों। पहले मैं इसको घुमा देता हूँ, विजिट करवा देता हूँ आपको। इस घर में मैं एक बार और आ चुका हूँ, बहुत पहले वीडियो बनाया था इसका मैंने। तो ये वो घर है, देखो आप, ये देखो, थोड़ा लाइटिंग ज़्यादा है इसलिए एडजस्ट करना पड़ रहा है। ये इसका गेट है दोस्तों, दिख रहा है आपको, थोड़ा लाइट बहुत ही ऐसा लग रहा है मुझे, चमक रहा है ना, वाइट है इसलिए। ये इसका पीछे का हिस्सा है दोस्तों, ये देखो आप, यहाँ पे कुछ मोटर्स है, यहाँ पे कोई से भगवान के स्थान भी है, और यहाँ पे वो चुड़ैल जो भी है रहती है। तो इधर तो ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कुछ कि यहाँ पे कुछ है, और एक कीड़े ने कुछ ये घासों का देख रहे हो आप हिस्सा, है ना। तो यहाँ पे चलो बोलते हैं इसके अंदर वो रहती है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट अंदर जाते हैं अपन और देखते हैं उसको। मैं गेट खोलता हूँ दोस्तों, गेट खोलने के लिए मुझे थोड़ा सा ये पकड़ना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, टॉर्च रखनी पड़ेगी यार। और ट्राई करता हूँ मैं, कुछ आवाज़ें आ रही है, पता नहीं क्या की आवाज़ आ रही है। पहले मैं गेट, ये गेट है मैं खोलता हूँ दोस्तों, एक सेकेंड, है ना। अब ये देखो कितनी ये है, अबे ये क्या हो रहा है, गेट खोल लूँ मैं पहले, एक सेकेंड खोल रहा हूँ। टाइम लग रहा है दोस्तों, एक सेकेंड, अकेला हो ना इसलिए टाइम लग रहा है।
एक सेकेंड। बहुत बुरी नाटक हो रही है, एक सेकेंड यार, मैं थोड़ा सा ये मोबाइल ना ऐसे रख रहा हूँ, एक सेकेंड। देखते हैं, अब गेट खोल रहा हूँ। शिट, ओ माय गॉड, सॉरी, ये कुछ बहुत कीड़े पतंगे आ रहे हैं यहाँ पे। ये क्या है दोस्तों, काफी हालत खराब हो रही है यहाँ पे। ओ, कौन है, कौन है? शेव गोजम बली, हे भगवान, हे भजन बली। दोस्तों मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई कौन है, कौन है? सो दोस्तों कौन है, कौन है? दोस्तों कुछ कुछ कौन है? दोस्तों दोस्तों पे क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों, कुछ काट रहे हैं यहाँ पे कीड़े पतंगे, इसकी हालत देख रहे हो दोस्तों आप। यहाँ पे कुछ आवाज आई यार, किसी ने गेट बचाया, काट रहा है यार कुछ, ये ऐसे कीड़े होने दोस्तों, आपको दिख रहे हो तो ये कीड़े हैं, इसे बहुत उड़ रहे हैं यहाँ पे, कैप्चर नहीं हो रहा है। यहाँ पे आवाज आ रही है यार अजीब सी दोस्तों, दोस्तों आवाज अजीब सी आवाज आ रही है, पता नहीं कैसे आवाज आ रही है यार ये। मुझे भाई एक सेकंड में ये थोड़ा सा कर लूँ, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, मुझे हाथ पे कुछ काट रहा है, मुझे कुछ काट रहा है हाथ पे, शिट, क्या हो रहा है ये कुछ हाथ पे, साला कौन सा जानवर है यार, ये क्या है यार, ये अजीब सा दोस्तों, ये कुछ काट रहा है, ये है ना, ये वाले कीड़े ये दिख रहे हैं ना, ये हाथ पे खून चूस रहे हैं, डायरेक्ट काट रहे हैं। अबे ये आवाज कैसी आ रही है दोस्तों, ये क्या था यार भाई, क्या था ये, देखा आपने दोस्तों, कुछ था वहाँ पे, मेरे हाथ पे कुछ काट रहा है, अभी क्या, शिट, अरे क्या काट रहा है ये, कुछ कुछ कैप्चर हुआ, मुझे नहीं पता कुछ हुआ या नहीं हुआ यार, रुको यार दोस्तों, मुझे कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ था यहाँ पे, कुछ टॉर्च जल रही वहाँ पे दोस्तों, ये देख यहाँ पे कुछ था, मैं ऐसे निकल रहा हूँ, अब मैं निकल रहा हूँ, एक सेकेंड, आवाज अभी कुछ, अरे
दोस्तों माफ़ करना गिर गया था मैं। यहाँ पे दोस्तों अजीब से आवाज़ आ रही यार, बजरंगबली है भी ससुर महाराज, रक्षा करो मालिक। दोस्तों टॉर्च की लाइट थोड़ी बढ़ा देता हूँ, रक्षा करो मालिक। बहुत आवाज़ आ रही है, हे बजरंगबली, जय माता दी, जय बजरंगबली, हे भगवान, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। मैं एक बार और हिम्मत करके आया हूँ दोस्तों। कुछ काट रहा है यहाँ पे, कुछ है यहाँ पे। दोस्तों निकल रहा हूँ गाड़ी के पास, यहाँ पे कुछ है। दोस्तों यहाँ पे कुछ है तो बस निकल रहा हूँ। मुझे गाड़ी के पास तक लाइट ऑफ हो रही है। मैं दोस्तों पूरी कोशिश करी मैंने बताने की, लाइट ऑफ हो रही यार। मुझे गाड़ी के पास जा रहा हूँ जल्दी से, मुझे पता नहीं क्या काट रहा है यार। दोस्तों बहुत अजीब सा कुछ, ये लाइट, मैं आ गया रास्ते पे। दोस्तों मैं वीडियो बंद करके भाग के जाता हूँ यहाँ से, इधर कुछ है तो नहीं। मैं आगे पीछे मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ दोस्तों।